नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। तो आज की इसके इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है क्लास सिक्स के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बेसिक टर्म जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी, किसी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ये एक कोई मान के चलो कि एक कील है, एक खीड़ा है और इसको हैमर है, ठीक है, और इसको हमें इससे ठोकना है, ठीक है। तो अगर मैं ये हैमर यहाँ पे रखूँगा और ऐसा करूँगा तो ये कील जो है, जो स्क्रू है, स्क्रू बोल सकते हैं आप इसको, ये अंदर जाएगा नहीं क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी ही नहीं है। पर जैसे ही मैं इस हैमर को ऊपर की तरफ लेके जाता, देखिए ये मान के चलो कि कील है, इसको ठोकना है अपने को, ठीक है, और अपन ऐसे ही ठोकेंगे, इसको उठाएंगे ही नहीं, इसको मैंने उठाया ही नहीं और ऐसे ही ठोकने की कोशिश करूँगा तो ये अंदर जाएगा नहीं क्योंकि इस पर प्रेशर नहीं गिरेगा, फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल, जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाता हूँ हैमर को, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और उसके बाद मैं जब फोर्स लगाता हूँ तो ये ज़्यादा फोर्स से, देखिए या इस हाइट से अगर मैं इसको ठोकने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं है, पर जैसे मैं इसको और ऊपर उठाता हूँ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो इसमें स्टोर्ड हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? जो स्टोर्ड फॉर्म में है किसी चीज़ में, उसको स्टोर्ड हो गई। जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप ऐसे दबाते हो, दबाने के बाद वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो फटाक से ऐसे होता है तो वो एनर्जी बाहर निकलती है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ रबर बैंड से वो गुल्लक बनाते थे, ठीक है, किसी को मारने वारने के लिए, कोई बच्चे खेलते हैं तो कोई ऐसा, तो जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी उसको बोला जाता है, जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गई। जैसे हम वो छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ जाता है, तो वो आगे की तरफ किस एनर्जी की वजह से जाता है? क्योंकि जब हमने खींचा तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई और जैसे ही हमने छोड़ दिया तो वो जो है वो आगे की तरफ, जो भी चीज़ आपने उसके अंदर ली है वो आगे की तरफ चली जाती है। तो वो होता है मेनली, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कोई एक स्टेट चेंज होती है या फिर पोजीशन चेंज होती है। जैसे अगर कोई चीज़ ऊपर, पोजीशन यानी कोई चीज़ अगर ऊपर, ये मैंने ऊपर लेके गया, इसमें एनर्जी अभी स्टोर्ड है, छोड़ दिया, ठीक है, तो जो एनर्जी स्पेसिफिक स्टेट का मीनिंग क्या है, अगर ये यहाँ से यहाँ रबर बैंड है उसकी स्टेट हमने चेंज की, सॉलिड लिक्विड गैसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्टेट का मीनिंग हमने उसको जो है वो कॉम्प्रेस किया, प्रेस किया, ऊपर लेके गए, नीचे लेके गए, तो वो स्टेट उसकी चेंज की या फिर उसकी पोजीशन चेंज की, यानी ऊपर लेके गए, नीचे लेके गए या फिर पास लेके गए, दूर लेके गए, तो वो पोजीशन अगर देखिए, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू द स्पेसिफिक स्टेट या फिर पोजीशन, हमने उसकी कोई स्टेट चेंज की या पोजीशन चेंज की, स्टेट का मीनिंग समझ में आ गया ना, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको बोला जाता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल मीनिंग क्या है? जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो गई, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज किया, पोजिशन को चेंज किया और उसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में अगर डेफिनेशन आ गई बच्चों, देखिए साइंस कैसे होता है, हमें कंसेप्ट को समझना होता है, कंसेप्ट को समझना होना है। काइनेटिक एनर्जी बात करें तो अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी स्टेट को या पोजिशन को चेंज करने पर उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।